तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पेशकश रहेगी हमारी 10 फैक्ट अबाउट रोल्स रॉयस। अब क्या खास है रोल्स रॉयस में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तब तक हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। नंबर 10, रोल्स रॉयस कंपनी जितनी आज अपनी रॉयल्टी और एक्सपेंसिवनेस के लिए जानी जाती है, उतनी पहले थी नहीं। सन 1946 तक रोल्स रॉयस कंपनी गाड़ियों के चेचस और मोटर बेचा करती थी। नंबर 9, इसके हुड पर लगा आइकॉनिक ऑर्नामेंट जिस पर एक उड़ती हुई महिला को दर्शाया गया है, इसका वास्तविक नाम स्पिरिट ऑफ एकस्टसी है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, और अगर चुराने का प्रयास करता भी है तो वह ऑटोमेटिक उसी हुड में वैसे ही छिप जाता है जैसे कछुए को। अगर कोई टच करता है तो वह अपना सिर अपने शरीर के अंदर छिपा लेता है। नंबर 8, जहां हर गाड़ी को कलरफुल बनाने के लिए मशीनों से पेंट किया जाता है, वहीं रोल्स रॉयस कार की कोच लाइन को पेंट करने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम मार्क कोट है। दोस्तों, मार्क कोट ही एक ऐसा शख्स है जो रोल्स रॉयस की हर गाड़ी पर कोच लाइन पेंट करता है। नंबर 7, जहां आज की लेटेस्ट रोल्स रॉयस कारों में जो आप आगे ग्रिल लगी हुई देखते हो, उसे पूरी तरह से रोबोट या मशीनों से निर्मित किया जाता है, लेकिन पहले की रोल्स रॉयस कारों में जो ग्रिल लगी होती थी वो पूरी तरह से हैंडमेड हुआ करती थी। नंबर 6, रोल्स रॉयस का इंटीरियर बनाने के लिए बैल की खाल का उपयोग किया जाता है, और ये बैल यूरोप के उस क्षेत्र में पाले जाते हैं जहां मच्छर ना हो, क्योंकि मच्छर के काटने से उस खाल में दाग पड़ जाते हैं, और रोल्स रॉयस कंपनी कभी ये नहीं चाहती कि मेरे ग्राहकों को लूज और मुलायम सीटों की असुविधा महसूस हो। नंबर 5, दुनिया भर में जितनी कार कंपनी है, उन सभी कंपनी की कारों के टायर में लगा उस कंपनी का लोगो उसी टायर के साथ घूमता है। सिर्फ रोल्स रॉयस कंपनी की कारों के टायर में लगा RR का लोगो कभी टायर के साथ नहीं घूमता, हमेशा सीधा बना रहता है। नंबर 4, रोल्स रॉयस कंपनी का सबसे बड़ा कारखाना USA में इंडियाना पॉलिस है, जहां सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारों को बनाया जाता है। नंबर 3, दुनिया भर में अब तक जितनी रोल्स रॉयस कारें बनाई गई हैं, उनमें से 65% कारें अभी भी रोड पर दौड़ती हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोल्स रॉयस को कितना मजबूत बनाया जाता है। नंबर 2, दुनिया के किसी शहर में अगर सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारें हैं तो वो है हांगकांग। हांगकांग में आपको सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारें देखने को मिल जाएंगी। नंबर 1, भारतीय राजा ने अपने अपमान का बदला दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस से कचरा उठवा कर लिया था। अब किस वजह से राजा ने ऐसा कदम उठाया था? दोस्तों, उस वक्त अलवर के राजा जयसिंह लंदन गए हुए थे, उसी दौरान उनकी नजर रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर पड़ी। जब उन्होंने उसकी कीमत पूछी तो उन्हें भारतीय होने के नाते शोरूम से बाहर निकाल दिया गया। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और होटल आकर अब वे इस बार राजा के तौर पर गए, और फिर शोरूम वालों ने उनका सम्मान किया, और फिर 6 रोल्स रॉयस कार खरीद कर अपने शहर लाए और उनसे शहर की गंदगी को ढोने व सफाई के काम में लगा दिया। पूरे विश्व में ये खबर फैल गई और रातों रात कार की सेल गिर गई, और लोगों ने अब उस कार को खरीदना बंद कर दिया। जिसके पास ये कारें थीं, वो लोग भी उस कार पर हंसने लगे। फिर कंपनी के मालिक ने गिरती साख की वजह से राजा को टेलीग्राम लिखकर माफी मांगी, विनती की और कहा रोल्स रॉयस कार से कचरा न उठवाएं। इसके अलावा कंपनी ने राजा को 6 कारें तोहफे के तौर पर भारत भेजी। तब जाकर राजा ने रॉयल्स रॉयस की कारों से कचरा उठवाना बंद कर दिया। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा।